देखो ये वाला जो टिपिकल विलेज हाउस है और सराउंडिंग भी बहुत नीट एंड क्लीन है, एब्सोल्यूट ब्यूटी मैन। ये विलेज सही में काफ़ी क्लीन है यार, काफ़ी साफ़ सुथरा है, लग नहीं रहा कि ये कोई बस्ती है, ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो सम बहुत पॉस एरिया में ऐसा आया ऐसा लग रहा है, लेकिन जबकि ये बस्ती है। उधर में इतना भीड़ भाड़ जो दिखाई दे रहा है वो बांग्लादेश है, तो हम लोग एटलीस्ट एक अलग कंट्री को या अलग देश को दिखाई दे रहा है यहाँ से, और इस साइड पीछे साइड पूरा इंडिया है। सो डॉगी का सुंदर साइड जो इंडिया है और क्राउडेड साइड जो बांग्लादेश है। वाह, ये कहाँ बांग्लादेश का है क्या सामान? बांग्लादेश का कितना भीड़ भाड़ है उधर लोग, ओह माय गॉड। चलो थोड़ा और आगे जाएगा तो हम लोग बांग्लादेश पहुंच जाएगा, लेकिन अभी हम लोग वापस जाएंगे इंडिया, अपना देश जो एक्चुअल देश है उसके तरफ। गहरा है ना ये भी, बहुत गहरा है। चलो थैंक यू, अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉगी से निकल गया, नहाने तो बहुत अच्छा था, लेकिन नहाने के बाद हम लोग जब गाड़ी लेने गया था ना, इतना चढ़ना पड़ रहा ना उसमें, तो हालत ख़राब। तो अभी हम लोग जा रहा है मालुनोंग, और मालुनोंग वो जो है क्लीनेस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, और उसके बाद उधर में एक लिविंग रूट ब्रिज भी है। तो आई थिंक डॉगी से वो अराउंड आई थिंक 40 किलोमीटर्स है, तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी अराउंड आई थिंक 15 किलोमीटर्स कवर कर लिया और बचा है अबाउट 25। तो लकीली आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है, कुछ भी बारिश वारिश नहीं। नॉर्मली मेघालय में तो बहुत बारिश होता है, तो हम लोग काफ़ी लकी डे में आया है। आई थिंक यहाँ पे दो रास्ता है, नीचे तो मालुनोंग जाता है और फिर राइट साइड में आई थिंक वो लिविंग रूट ब्रिज जाता है। तो अभी हम लोग पहले लिविंग रूट ब्रिज जाएंगे, उसके बाद क्लीनेस विलेज जाएंगे। तो अभी जा रहा है लिविंग ब्रिज, आई थिंक शिलोंग में दो, शिलोंग बोलते हैं, मेघालय में 3-4 लिविंग ब्रिज है और ये वन ऑफ देम है। ये आई थिंक सिंगल डेकर है, जाके देखते हैं। पार्किंग चार्जेस लिया 50 रुपीज़ और फ्री एंट्री है अभी तक, पता नहीं नीचे में टिकट लेता है कि नहीं लेता है, लेट्स सी। फ्री एंट्री है सोचा था, लेकिन फ्री एंट्री नहीं है, 40 रुपीज़ है। तो यहाँ से अच्छा दिख रहा है ये लिविंग रूट ब्रिज, और वो देखिए ये वाला है द लिविंग रूट ब्रिज, काफ़ी सुंदर है, लेकिन ये सिंगल डेकर है। और यहाँ पे पानी, और आई थिंक उस नीचे में लोग नहा भी रहा है लग रहा है। ये सब पेड़ का रूट है, ये देखो पूरा पैर के रूट से। तो सिंपल सा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, आके जस्ट देख के थोड़ा फोटो खींच के फिर जाना है। तो ये वाला लिविंग ब्रिज देख के आया, सिंपल सा है। तो अभी हम लोग जाएंगे क्लीनेस्ट विलेज, क्या था मालुनोंग ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, मालुनोंग। तो उधर जा रहे हैं, उधर जाके मिलेंगे आपको। पहुँच गया है क्लीनेस्ट विलेज, तो प्लास्टिक ढूंढ के देखते हैं ये असली में क्लीन है कि नहीं पता चलने के लिए। ओके, ये विलेज सही में काफ़ी क्लीन है यार, काफ़ी साफ़ सुथरा है, लग नहीं रहा कि ये कोई बस्ती है, ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो सम बहुत पॉस एरिया में ऐसा आया ऐसा लग रहा है, लेकिन जबकि ये बस्ती है। और ये देखो इतना क्यूट वाला घर का एंट्रेंस है, काफ़ी क्लीन है यार इनफैक्ट, और बहुत सुंदर है, पूरा आसपास सब फूल वगैरह लगाया हुआ है, डेकोरेटिव पाइन ट्रीज लगाया हुआ है, जगह जगह पे ऐसे डस्टबिन दिया हुआ है। देखो ये वाला जो टिपिकल विलेज हाउस है और सराउंडिंग भी बहुत नीट एंड क्लीन है, एब्सोल्यूट ब्यूटी मैन।
तो आई थिंक इस विलेज में रहने के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और बहुत सारा होम स्टे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर भी होम स्टे लिखा हुआ है और ऐसा करके ऊपर में भी बहुत सारा होम स्टे था। ये वाला 3 आवर्स देखा, वो काफ़ी ऊँचा यार, आई थिंक यहाँ पे जाके देखेंगे अभी हम लोग। सो यू आर रेसिडेंट फ्रॉम दिस विलेज नहीं? एवरी डे यू पीपल क्लीन योर विलेज और हाउ डू यू मेंटेन द क्लीनिनेस? Yes, for every day we used to clean. Okay, okay. But every day, for our own garden, for our own compound. Okay. So yeah. The others also the same. Here you try to maintain that, no? Yes. Okay, it's very good. It's good to see such places. It's very rare, no? So tree house mein charke dekhte hain. Oh my god. Ye wala part thoda sa itna darawana nahi abhi tak. Oh my. ऑलमोस्ट देयर पहुँचने वाला है। तो ये व्यू है यहाँ से, उस एरिया में बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, जो भी ये प्लेन एरिया सब बांग्लादेश है। और आई थिंक यहाँ से ये विलेज का भी आई थिंक ऑलमोस्ट एंटर प्लेस दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारा पेड़ पौधा है। बाय बाय। प्यारा। यहाँ पे मिलता है लोकल सामान, शॉप एरिया है ये। ओके, ये सब लोकल सामान है। क्लीनेस्ट विलेज विजिट करके आ गया, आई थिंक काफ़ी सुंदर था, काफ़ी साफ सुथरा था। आई थिंक हम सब लोग को इस विलेज से कुछ सीखना चाहिए। ये आपको कैसा लगा? बहुत पीसफुल था। अच्छा रहा मालिनोल, काफ़ी साफ सफाई है और शाम पे स्ट्रोलिंग करने के लिए तो काफ़ी जगह अच्छा है, और भी स्पेशली इवनिंग समय पे। और एक अच्छा काम किया, आज हम लोग सुबह निकलते हैं सबसे पहले हम लोग दौकी गया, उसके बाद बाकी जगह विजिट किया, तो वो अच्छा डिसीजन था। तो आई थिंक आप लोग को भी अगर आने से पहले सीधा दौकी जाओ और शाम मतलब इवनिंग तक को बाकी जगह विजिट करो, क्योंकि दौकी में ज़रा भीड़ भाड़ होने से मज़ा नहीं आएगा और बोट मिलना भी मुश्किल होगा, तो वो अच्छा डिसीजन था। तो अभी हम लोग शिलोंग की तरफ वापस जा रहे हैं, देखते हैं कुछ रास्ते में और हो तो वो भी विजिट करेंगे। तो आज हम लोग क्लीनेस्ट विलेज विजिट करने के बाद सीधा शिलोंग आया, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना, आते आते काफ़ी लेट हो गया था। हाँ, उसके बाद हम लोग सीधा ये एसएन के जो शिलोंग कैथेड्रल उधर आया, और ये तो वैसे दिन को तो काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन रात को तो अंधेरा है, दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन फिर भी अभी का जो यहाँ का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, बहुत शांत है और काफ़ी पीसफुल है। ओके, तो मैं अपना वीडियो यहाँ ख़त्म करूँगा और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। और मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग खारसूरी वाटरफॉल जाएंगे, और वाटरफॉल काफ़ी सुंदर वाटरफॉल होगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।